फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस इन एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूजिंग पास्कल ट्रायंगल कैसे एक्सपेंशन लिखना है, बायनोमियल एक्सपेंशन, वो हमने देखा था। अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो देखते हैं कि कैसे विदाउट पास्कल ट्रायंगल हम लिख पाएंगे। तो पहले हम पास्कल ट्रायंगल लिख लेते हैं, ठीक है। वन वन, फिर वन एंड वन को ऐड करके टू लिखा, यहाँ पर वन आपको किनारे पे लिखना है। वन एंड टू थ्री, थ्री वन वन, फिर थ्री प्लस वन फोर, सिक्स फोर वन वन एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन के फार्मूले से ये लिख सकते हैं। तो फार्मूला क्या था, एन सी आर का फॉर्मूला था फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, निकालते हैं इसकी वैल्यू, जीरो सी जीरो की वैल्यू निकालते हैं। तो जीरो सी जीरो की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल जीरो अपॉन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल जीरो। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है वन, वन इंटू वन ये आ जाएगा वन। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है हमें मिल रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक हम इसको हम कुछ लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं, रोज में। तो फर्स्ट रो है ये, फिर ये सेकंड रो है, फिर ये थर्ड रो है, फोर्थ रो हो गया, ये फिफ्थ रो हो गया। तो जब हमने फर्स्ट रो किया है तो इसको जीरो रो करते हैं, बेटर होगा। इसको जीरो कहेंगे, इसको वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, अगर नेक्स्ट आएगा तो हम लोग फाइव लिखेंगे। तो आपने देखा कि ये जीरो है, तो हमने यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो पुट करी है। अब आप देख सकते हो कि सेकेंड रो में यहाँ पे वन है, तो हम लिखेंगे वन सी जीरो की वैल्यू निकालेंगे और वन सी वन की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपके पास दो टर्म्स हैं, यहाँ पर ये जीरो और ये वन को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो वन सी जीरो हो जाएगा फैक्टोरियल वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल वन माइनस जीरो, फिर से ये वन आ जाएगा, तो आपको ये वन मिल गया। फिर इसके बाद वन सी वन हम करेंगे फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन माइनस वन, तो फिर से आपको ये वन देगा, तो आपको फिर से ये वाला वन मिल गया। फिर हम आते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो में होगा टू सी जीरो। सबसे पहले लिखेंगे टू सी जीरो, इसमें तीन टर्म्स हैं, जीरो वन एंड टू होगा, तो टू सी जीरो टू सी वन एंड टू सी टू, इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। फैक्टोरियल टू अपॉन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल टू, फिर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू माइनस वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू इंटू वन अपॉन वन इंटू वन, तो ये आ रहा है टू। इसकी वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल टू अपॉन फैक्टोरियल टू, टू माइनस टू जीरो, तो ये आ जाएगा टू इंटू वन टू इंटू वन टू वन, तो ये वन दे रहा है, ये टू आ रहा है और ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर के वन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वन टू और वन मिल गया। ठीक उसी तरीके से हम आगे की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, तो देखते हैं ये वाला भी करके देख ही लेते हैं। तो थर्ड रो में देखते हैं, वो हो जाएगा थ्री सी जीरो थ्री सी वन थ्री सी टू एंड थ्री सी थ्री। जीरो से स्टार्ट करना है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक लेकर जाना है आपको। एन की वैल्यू थ्री है, तो हम लोग एन सी जीरो से लेकर के एन सी एन तक जा रहे हैं, थ्री सी जीरो से लेकर के थ्री सी थ्री तक जाएंगे, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल थ्री, ये वन आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालते हैं फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू आ जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन वन इंटू टू इंटू वन, तो ये थ्री दे रहा है। फिर इसको निकालते हैं फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री माइनस टू, तो ये आ जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन इंटू, ये वन देगा,
तो फिर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है। फिर 3 से 3 निकालते हैं, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 माइनस 3 तो ये देगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3, ये तो पूरा कैंसिल ही हो जा रहा है, ठीक है, तो ये देगा 1। तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू बिल्कुल सेम मैच कर रही है, 1 3 3 एंड 1। उसी तरीके से आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू होगा 1 आ जाएगा 4C0, ये 4 आ जाएगा 4C1, 6 जो होगा वो आ जाएगा 4C2, फिर ये 4 आ जाएगा 4C3 और ये 1 आ जाएगा 4C4, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा पास्कल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक बार हम लोग इसको लिखते हैं पास्कल ट्रायंगल को इन टर्म्स ऑफ कॉम इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला, तो ये जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से बन जाएगा, 0C0 फिर 1C0 1C1 फिर देन यहां पे हम लिखेंगे 2C0 2C1 2C2 देन 3C0 3C1 3C2 देन 3C3 और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4। अगर इसको हम कंटिन्यू करते जाते हैं तो आपको पता है कि जो nth नंबर का रो होगा उसमें स्टार्ट होगा NC0 से, उसके बाद आएगा NC1 NC2 एंड सो ऑन, लास्ट में मिलेगा आपको NCN। तो एक्सपेंशन आपको शायद याद होगा कि जो हमने एक्सपेंशन किया था, x प्लस ए टू द पावर 1, तो ये होता है x प्लस ए। तो हम ये देख सकते हैं क्या, तो 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं NC1C0 x प्लस 1C1A। यहां से हम लोग ये पावर जो 1 है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं और फिर 0 n 1, फिर x प्लस ए का होल स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2C0, फिर अगला x की मैक्सिमम पावर लिखेंगे x स्क्वायर, या पहले हम लोग फॉर्मूले से ही देखते हैं, आपको पता है कि फॉर्मूले का जो होता है वो x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 2 1, तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग 2C0। हम 2 से क्यों स्टार्ट कर, बिकॉज यहाँ पावर 2 है, ठीक है, तो 2C0 x स्क्वायर प्लस 2C1, 2C1 की वैल्यू आपको पता है कि 2C1 की वैल्यू 2 है, 2C1 x इंटू ए प्लस 2C2 ए स्क्वायर। उसी तरीके से हम लोग क्यूब का भी देखते हैं, पहले क्यूब वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं, एक्स प्लस ए का जो क्यूब होगा वो जाएगा x³ + 3x² + 3xa² + a³। ये आपको मालूम है, यहाँ पे कोफिशियंट 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, यहाँ पे भी 1 है, और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 3C0 की, इस 1 को लिखेंगे हम लोग 3C0 x³। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिख रहे हैं, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि क्या होगा, कि इसको इस तरीके से लिखने से हमें क्या फायदा होगा। तो फिर 3 को लिखेंगे हम 3C1 x² a + 3C2 x a² +
थ्री सी थ्री ए का क्यूब। तो आपको पता है कि थ्री सी थ्री जो है वो वन होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है वन होती है, इसकी वैल्यू होती है थ्री, इसकी वैल्यू होती है थ्री और इसकी वैल्यू होती है वन। तो आपको ये नंबर जो उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, तो इस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एक प्लस ए की पावर फोर के लिए। आपको पैटर्न क्या मिल रहा है कि एक्स की एक्स का जो पावर है वो हर बार कम एक एक करके कम हो रहा है, और ए की जो पावर है वो यहाँ पर ए की पावर जीरो है, ए टू द पावर जीरो है, फिर जीरो से ये वन हुआ, देन टू, देन थ्री, द पावर इज इंक्रीजिंग वन बाई वन। सो अगर हम x प्लस ए टू द पावर फोर लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये फोर सी जीरो से स्टार्ट होगा और f का मैक्सिमम पावर हम लिख देंगे और a का फोर सी वन करेंगे, x टू द पावर थ्री हो जाएगा, फोर से एक कम हो गया और a का पावर एक हमने इंक्रीज कर दिया। फिर आएगा फोर सी टू f का पावर टू एंड a का स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं कि 4c 3 f का पावर फिर से कम होगा और a का पावर एक बढ़ जाएगा। फिर आगे देखते हैं 4c 4 आ जाएगा तो फिर f का पावर 0 हो जाएगा एंड a का पावर 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लिखना आसान है और फिर हम इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे लिखे हुए इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। फोर से जीरो की वैल्यू होती है वन, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, चलो लिख लेते हैं एक्स टू द पावर फोर प्लस इसकी वैल्यू हो जाती है, फोर से जीरो की वैल्यू हम निकाल चुके थे, नहीं निकाला था हमने, तो फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल फोर माइनस वन यानी कि थ्री और ये वैल्यू आ जाएगा फोर। तो आप देख सकते हैं कि ये फोर एक्स क्यूब ए आ जाएगा। फिर अगली बार देखते हैं कि 4c2 की वैल्यू क्या होगी, 4c2 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 को लिखा जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 इंटू 1 एंड देन 2 इंटू 1, तो ये 2 और 2 इस 4 से कैंसिल होता है, ये 6 आ जा रहा है, तो ये वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 4c3 की वैल्यू निकालते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1, तो ये आ जाएगा 4, तो फिर से ये 4 आ रहा है, 4 x इंटू ए क्यूब प्लस 4c4 की वैल्यू हो जाएगी 1 a टू द पावर 4। तो आपको एक्सप्रेशन आसानी से मिल जाता है। उसी तरीके से अगर हम x प्लस a टू द पावर 5 निकालना चाहते हैं तो 5 से 0 से स्टार्ट करेंगे, x टू द पावर 5 a का पावर 0 प्लस 5c 1 s का पावर 4 a का पावर 1 5c 2 s का पावर 3 a का पावर 2 प्लस 5c 3 x का पावर डिक्रीज करना है हम लोगों को 3 a का पावर 3 प्लस 5c 4 x का पावर 2 a का पावर 4 और लास्ट जो नंबर हुआ 5 एक्सप्रेस 5c 5 x एंड a का पावर, इसमें कोई मिस हो रहा है, ये 2 होना चाहिए था, 3 के बाद 2 फिर देन 1 एंड देन 0 a टू द पावर 5, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। फिर हम इनकी वैल्यूज देख सकते हैं, जो वैल्यूज है आसानी से लिखा जा सकता है। आपने एक चीज देखा कि nc 0 की जो वैल्यू होती है NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCn की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो ये वाला तो 1 सीधा हो जाएगा यानी कि x टू द पावर 5 आ जाएगा। फिर आपने ये भी लिखा कि NC1 की वैल्यू जो हमने 1 और 2 एंड 3 का निकाला तो ये n आता है, जो NC1 जो है 1 आ रहा था, NC2 देखा था 2C1 देखा आपने कि 2c1 की वैल्यू 2 आई थी, 3c1 की वैल्यू 3 आई थी, 4c1 की वैल्यू 4 आई थी, 4c1 आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आया था,
तो 5 से 1 भी 5 आएगा बिकॉज ये फॉर्मूला. तो 5x टू द पावर 4 a का पावर 1. फिर एक चीज और देखने वाली है इसमें कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो रिपीट होती है. पीछे से ये 1 है तो इधर आगे से 1 तो पीछे से भी 1, यहाँ पे 4 वहां पे भी 4. ठीक है, तो हम पीछे से जो टर्म लिखेंगे ये 5c5 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी a टू द पावर 5. फिर इसकी वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सेकंड टर्म जो होगा वो होगा यानी कि 5x आ जाएगा इनटू a का पावर 4 प्लस. अब नेक्स्ट टर्म हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5c2 निकालते हैं. फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3. तो ये 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं इसको, और ये फैक्टोरियल 3 छोड़ देंगे इंटू फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिख देते हैं. तो ये कैंसल हो जाता है, ये कैंसल होकर 2, सो ये आपको 10 मिलता है. तो 10 एक्स क्यूब ए स्क्वायर प्लस, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना रह जाता है. तो 5c3 की जो वैल्यू होगी वो भी निकालते हैं. फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 आ जाएगा 2. तो बिल्कुल सेम चीज आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम आ रहा है. तो ये 10 एक्स स्क्वायर ए क्यूब. तो जब पावर 5 है तो आपको 6 टर्म्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म्स मिल रहे हैं. हम देख सकते हैं कि ये जो तीन टर्म स्टार्टिंग के और तीन टर्म जो एंड्स के हैं उनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है. इसका कोफिशिएंट 1, उसका 1, इसका 5, इसका 5, इसका 10, इसका 10. तो यानी कि आपको बेसिकली आधे टर्म्स का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना होता है, बाकी फिर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है. और इस तरीके से हम पूरा एक्सपेंशन लिख लेते हैं. तो एक एक्सपेंशन हम लोग थोड़ा हाइयर पावर वाला भी करके देखते हैं. तो x प्लस ए टू द पावर 7 देखते हैं. तो ये स्टार्ट होगा 7c0 x टू द पावर 7 a का पावर 0, देन 7c1 x टू द पावर 6 a टू द पावर 1, 7c2 x टू द पावर 5 a टू द पावर 2, 7c3 x टू द पावर 4 a टू द पावर 3, 7c4 x टू द पावर 3 a टू द पावर 2, देन 7c5 x टू द पावर 2 a टू द पावर, नो दिस शुड बी 5 एंड दिस शुड बी 6, देन द लास्ट टर्म विल बी 7c6 x टू द पावर 1 a टू द पावर 7. I think there is some mistake. This is 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and then 0. Correct. But power of 0, 1, 2, 3, 4 and 5 are missing. 4, then 5. Then a to the power 6. Then 7c7, x to the power 0. And a to the power 7. So, आप ध्यान से देखेंगे कि पावर जो वन बाई वन डिक्रीज होना चाहिए एक्स का, और ए का पावर 1/1 इंक्रीज होना चाहिए. तो ये हो रहा है. अब हम लोग इनकी वैल्यू लिखेंगे. तो आपको पता है कि यहाँ पर पावर जो है वो 7 है, सो वी शुड हैव 8 टर्म्स. तो 8 टर्म्स हमारे पास हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हैं. तो हम लोगों को बेसिकली करना क्या है कि फर्स्ट फोर जो टर्म्स हैं ये यहां से लेकर के यहां तक, बस इनके कोफिशिएंट वी हैव टू कैलकुलेट, और बाकी के कोफिशिएंट अपने आप आ जाएंगे. सो 7 से 0 की वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू हो जाएगी 1, देन x टू द पावर 7 प्लस 7 से 1 की वैल्यू होती है 7, x टू द पावर 6 a. अब 7c2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं. आप देखिए कि फैक्टोरियल 7c1 हमने कैसे कैलकुलेट किया. 7c1
और सेवन सी टू, ये फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल वन देन फैक्टोरियल सिक्स, इसकी वैल्यू है फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल टू एंड फैक्टोरियल फाइव। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स अपॉन वन इंटू फैक्टोरियल सिक्स, और ये कैंसल होकर के सेवन बाई वन दे रहा है, यानी कि सेवन। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है सेवन इंटू सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू वन इंटू फैक्टोरियल फाइव, ये कैंसल हो जाता है और फिर आपको मिलता है सेवन इंटू सिक्स बाई टू इंटू वन, ये हो जाएगा 21। अच्छा, सेवन सी थ्री जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड फैक्टोरियल सेवन माइनस थ्री फोर हो गए, तो ये लिखेंगे हम लोग सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू फैक्टोरियल फोर, ये फैक्टोरियल फोर कैंसिल हो जा रहा है, तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन। तो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सेवन, इसको थोड़ा सा हम लोगों को अरेंज करके लिखना पड़ेगा, वैसे सेवन बाई वन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेवन से एक कम करना है सिक्स, और वन से बढ़ाना है आपको, इंक्रीज करना है टू, और फिर ये आएगा वैल्यू। फिर अपने नेक्स्ट वैल्यू में देख सकते हैं कि सेवन इंटू सिक्स बाई टू की जो टू इंटू वन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर वही होगा। इसको लिखेंगे अगर हम तो सेवन इंटू सिक्स अपॉन वन इंटू टू लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री। तो सेवन इंटू सिक्स ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे फिर से मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि हमने 21 निकाल रखा है, तो 21 को हम लोग एक कम करेंगे सिक्स से फाइव, और एक टू से बढ़ा देंगे थ्री। सो थ्री सेवन या 21, ये 35 आ जाता है। अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लाइक सेवन सी फोर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उस वैल्यू को यूज करेंगे। आपको पता है कि ये 35 हो जाएगा पिछली वाली वैल्यू, और ये 5 हुआ था तो उसको भी एक हम कम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि यहाँ तक 3 हो चुका था तो एक हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 4 कैंसिल होकर 35 दे देगा। अगर आप निकालना चाहते हैं फर्दर टर्म, देखिए हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें 4 टर्म से निकालना है, तो यहाँ पे 7 आ चुका है, फिर ये 21, 7 से 2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, 21 एक्स टू द पावर 5 ए का स्क्वायर प्लस 1 2 3, एक और टर्म बच जाता है, 7 से 3 की वैल्यू लिखेंगे 35 एक्स टू द पावर 4 प्लस ए क्यू, तो ये 4 टर्म्स हो गए। अब हम लोग इन्हीं 4 टर्म्स को रिपीट कर देंगे, सो प्लस यहां से मैं आगे लिखूंगा नीचे, प्लस 35 एक्स टू द पावर 3 एंड ए टू द पावर 4 प्लस 21 एक्स टू द पावर 2 एंड ए की पावर 5 प्लस 21 के बाद आ रहा है 7 एक्स टू द पावर 1 ए टू द पावर 6 प्लस 1 एक्स टू द पावर 0 एंड ए टू द पावर 7। तो हम देख सकते हैं कि द वैल्यू इज इंक्रीजिंग 1 7 21 35 एंड देन आफ्टर दैट द वैल्यू इज डिक्रीजिंग इन द सेम वे 35 21 7 एंड 1 एंड द पावर ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड पावर ऑफ ए इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। So, in this way we can write a binomial expansion. So, we will do some questions based on this expansion. So, I have an NCERT book. I'm taking a question from this book. For example, we have to calculate the value. We have to expand this expansion.
So this question is from NCERT and it is an example. We have to expand x square plus 3 upon x to the power. I'm taking some other question because this has only power 4. Okay, let's do this question. To the power 4. So you know the power will, the first coefficient would be 4c0 and x square to the power 4 and 3 by x to the power 0. This is the first term. So first term should have maximum power and second term has power 0. Now the next term should be 4c1 x square to the power 3 and 3 by x to the power 1. Then the next term 4c2 x square to the power 2 and 3 by x to the power 2. Then the next term is 4c3 x square to the power 1 and 3 by x to the power 3. Then 4c4 x square to the power 0 and 3 upon x to the power 4. When you get NCN, then you have to stop and check that the number of terms should be 1 greater. We have 4, so we should have 5 terms. 1, 2, 3, 4 and 5. Now we will write the coefficient and we have to solve these terms also. So, ab hum karte hain 4c0 ki value likhte hain. 4c0 ki value ho gayi 1, x ye ho jayega value power to the power 8 aa jayega and 3 by x ki power 0, this is 1. Now 4c1 has value 4, x to the power 6 into 3 by x plus 4c2. So 4 में कम करके मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे 1 था तो 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके एंड देन वी आर राइटिंग द थर्ड टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड 4c2. सो इट हैज x टू द पावर 4 एंड 3 स्क्वायर अपॉन वी राइट द एक्चुअल वैल्यू x स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज now this is 4 into 3, we will 6, this value is 6, so we will write this value here and last time we multiplied 3, so we have to multiply by 2, last time we multiplied 2, so we will multiply by 3, so it should be, we will divide by 3. Okay, decrease the numerator term and increase the denominator by 1. So, this is x square and then 27 upon x cube. Then the last term is 4c1, you know, the value is 1 and x square, this is 0, so this will be 1. 3 to the power 4, 81 upon x to the power 4. Okay, so the expansion is x to the power 8 plus 12 x to the power 5. This is cancelling. Now this is 6 into 9, 54 x square. This is cancelling. Then 3 9s are 27. This is 108 upon x. These two terms are cancelling. And then 81 upon x to the power 4. So in this way we can get the expansion of nc0 binomial. X to the power n plus, you know that the power is the coefficient that starts from 0, nc0, and goes up to ncn. And a to the power 0, then
NC1. We are writing the general formula for a binomial. We have used it but didn't write the formula. So let's do it. N minus 1 a to the power 1 plus NC2 f to the power n minus 2 a square plus NC3 f to the power n minus 3 a to the power 3 plus dot dot dot. It goes like this, and the last term is NCN f to the power 0 n minus n and then a to the power n. So we know that the binomial expansion goes like this. Now suppose we replace a by minus a, so the expansion becomes x minus a to the power n, and wherever we are finding a, just replace it by minus a. So nc0 x to the power n minus a to the power 0, then nc1 x to the power n minus 1 and then minus a to the power 1, then nc2 f to the power n minus 2 and minus a square, then nc3 f to the power n minus 3 and minus a to the power 3, and this goes like this. Ncn x to the power 0 minus a to the power n. So you know that whenever the power is even, like 2, 4, it should give a positive value, and when the power is odd number like 1, 3, 5, it should give a negative value. So the expansion should be nc0 x to the power n, and it is just 1, then nc1 and it should be minus, because minus a to the power 1 is odd power, x to the power n minus 1 and a, then plus nc2 x to the power n minus 2 and a square plus, no it should be minus. तो यहाँ पे एक एक छोड़ करके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आपको लिखना होगा. एस टू द पावर माइनस 3 और ए टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट. अब ये लास्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि एन क्या है. अगर एन एक इवन नंबर है तो इस लास्ट टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर ये एक ऑड नंबर है तो लास्ट टर्म जो होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा. क्वेश्चन है 98 टू द पावर 5 हमें कैलकुलेट करना है. सो इसको लिखते हैं हम 100 माइनस 2, जो हमने माइनस वाला फॉर्मूला किया था उसको यूज करेंगे यहाँ टू द पावर 5. तो इसका पावर 5 है तो इसमें 6 टर्म्स आते हैं आएंगे, तो वो 6 टर्म चेक कर लेते हैं क्या क्या होंगे. ये हो जाएगा 5 C0 100 to the power 5 and 2 to the power 0, then 5C1 100 to the power 100 to the power 4, then 2 cup to the power 1, then 5C2 100 to the power 3 and 2 cup power 2, प्लस प्लस और माइनस पे हमें चेक करना होगा. यहाँ पे माइनस आएगा देन ये प्लस होगा फॉर्मूले में. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव देन सेकंड टर्म इज नेगेटिव देन थर्ड टर्म इज पॉजिटिव देन फोर्थ टर्म इज नेगेटिव देन 5C3 100 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3 देन 5C4 100 का पावर 1 हो गया एंड 2 का पावर 4 हो गया. लास्ट टर्म लिखेंगे 5C5 100 का पावर 0 एंड 2 का पावर 5. ये माइनस होगा. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव. सो जिसमें भी ऑड पावर है वो नेगेटिव होगा, जिसमें पावर इवन या यहाँ पर जो वैल्यू है वो ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस.
इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 से 0 की वैल्यू हो गई 1, 100 टू द पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 10 इंटू 1, माइनस 5 होगी 5 से 1 की वैल्यू इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा इंटू 2, देन प्लस इस वैल्यू को आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 बाई, यहाँ पर 5 बाई 1 है तो ये 1 इंटू 2 लिखेंगे, देन 10 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द, ये 4 आ गए, फिर ये माइनस में लिखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये 10 हम यहाँ पे लिख देंगे, 10 इंटू ये 4 आया था तो हम लिखेंगे 3, और ये 2 आया था तो लिखेंगे हम लोग 3, इसको एक घटाना है इसको एक बढ़ा देना है, सो इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा, 4 इंटू ये 8 आ रहा है, ओके, फिर प्लस, तो 5 टर्म्स हैं, हमने आपको पता है कि पीछे से जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं, तो हम पीछे से भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म देन सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सो दो टर्म रह जाते हैं तो उनके कोफिशिएंट जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म एंड देन सिक्स्थ टर्म, 6 टर्म्स होंगे, तो ये फर्स्ट 3 जो टर्म्स होंगे उनके कोफिशिएंट और लास्ट 3 जो होंगे उनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होंगे, तो फर्स्ट 3 का तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 1 5 एंड 10, सो इसके बाद कैलकुलेट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सेम आने लग गया है, 10 ये दोनों वैल्यू सेम आ रही, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद 5 आ चुका है, देन उसके बाद 1 आएगा कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट तो हमने निकाल लिए, अब जो है वैल्यू में लिखनी है, तो 10 टू द पावर 4 हो गया था तो यहाँ पर 100 इंटू 8 लिखेंगे पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में लिखा जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5 आ गया 32, तो पूरा एक्सपेंशन हमने लिख लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ रखेंगे और नेगेटिव टर्म्स को एक साथ रखेंगे, 10 टू द पावर 10, देन ये वाला जो टर्म आ रहा है वो है ये तो हम देखा ये 10 आता है तो 4 इंटू 10 टू द पावर 7 आ जाएगा, फिर अगली जो पॉजिटिव वैल्यू हुई ये है प्लस ये आ रहा है 4000, 40 इंटू 100 4000 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस नेगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 9, देन ये वाला वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर 4, सो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड द लास्ट टर्म इज 32, हम लोग आगे पढ़ने से पहले चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने किया है वो करेक्ट है कि नहीं, तो आप ये देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सही है, 10 टू द पावर 10 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 5 से 1 की वैल्यू 5 लिखी गई, 10 टू द पावर 8 आया, ये 2 आ गया, देन 5 से 2 की वैल्यू हमने ये लिख दिया है 6 आ गया, ये 4 आ गया, देन ये जो वैल्यू है 5 से 3 की वैल्यू हमने लिख दी है, इसी से वो आ गया था, वो सेम आ रहा था 10 टू द पावर 4, देन 8, देन ये 5 से 4 की वैल्यू फिर से वो 5 रिपीट हुआ 10, और ये 2 की द पावर 4 8 यहाँ पे रॉन्ग है, इसको 16 कर देते हैं, ओके, फिर लास्ट टर्म चेक करते हैं, ये 1 आ रहा है, देन दिस इज 100 0, तो ये 1 हो गया और ये 2 टू द पावर 5 32, तो एक टर्म यहाँ पे रॉन्ग है, ये इट ये 4000 नहीं है, ये 8000 है, सो 8000, तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 10 है, सबसे पहले ये बड़ा वाला जो पावर है वो हम लिख लेते हैं, तो ये 3 जीरोस देन 3 जीरोस देन 3 जीरो 3 जीरो लगा करके
ये 3 0 हो गए और यहाँ पर फिर हम 10 लिख लेते हैं, तो ये 10 to the power 10 हो गया। अब 4 × 10 to the power 7 लिखना है हमें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 4, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड देन यहाँ पे 4 हम 8 लिखेंगे, तो ये नंबर आ गया। दूसरा जो नंबर है माइनस करने के लिए हम लोग इसके नीचे ही लिख लेते हैं, बेटर होगा, -10 to the power 9 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और देन 3 0s 3 0s 3 0s और ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम लिखेंगे 8, 1 2 3 4 5 नौ, यहाँ पे 32 है तो इसको मिटाकर हम लोग 32 कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर निकाला। अब इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 देन दिस इज 9 सॉरी 9 - 3 = 6 देन दिस इज 9 दिस इज 7 0 2 दिस इज 9 दिस इज 3 0 एंड देन 9, सो द आंसर शुड मैच फ्रॉम द बुक, दिस इज 9039207968, सो वी आर गेटिंग द आंसर, we can solve one more question like this, for example let's solve x + 1/x⁶, so we'll do very fastly here, so सबसे पहले 6 c 0 then x⁶ प्लस 6 c 1 x⁵ इंटू 1/x⁶, देन 6 c 2 x⁴ एंड 1/x², फिर आएगा 6 c 3 x³ एंड 1/x³ प्लस 6 c 4 x⁻², एंड 1/x⁴, दैट द लास्ट दैट वी हैव टू लास्ट टू टर्म्स रिमेनिंग, 6 c 5 x⁻₁ एंड 1/x⁵ प्लस 6 c 6 एंड x⁻₀ एंड 1/x⁶. So we have expanded it and the remaining work is to find the coefficients. So 6 is 0 is 1 x⁶ plus this is 6 and x⁴ because this is these are cancelling, then this is 6 × 5/1 × 2, this is 6/1, so it has been decreased by 1 and increased by 1, so this is x², then 63. We are having the power 6, so it should have 7 terms, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, just check it, then we are getting 2, 3, just 6, we are getting 15, this is equal to 15 and then decrease the value by 1 and increase the value by 1, so this is 4 term, 2nd, 3rd and 4th, we are on 4 term and the power of x is 0, these are actually cancelling, then the next term, we have found the
four terms, 1, 2, 3 and 4. So the next term the coefficient should repeat. The coefficient of this should be equal to the same, means 15, then 6 and then 1. Okay. So just we are just writing from the back. Now this is 1 upon x to the power 6. This is 6 into 1 upon x to the power 4. This is 15 into 1 by x square. We have completed it. Now write in a simple, more systematic way. Plus 6 x to the power 4 plus 15 x square plus 20 plus 15 upon x square plus 6 upon x to the power 4 plus 1 upon x to the power 6. So in this way we have expanded. तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बायनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन करते हैं विदाउट यूजिंग पास्कल ट्रायंगल. इस बेस हमने क्वेश्चंस भी किए. नेक्स्ट वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम की और भी प्रॉपर्टीज करेंगे और इस बेस और भी क्वेश्चंस करेंगे. देन आगे हम थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि जनरल टर्म फाइंड करना सीखेंगे एंड मिडिल टर्म फाइंड करना सीखेंगे हम. और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और टिल देन गुड बाय. Thank you.